तभी रब लिफ्ट से बाहर निकलकर हर्ष के ऑफिस रूम की तरफ बढ़ गया था, जिसका रास्ता उसे अंजलि ने बताया था। आपको इन शर्तों को मानना ही होगा और अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। देखिए, बिजनेस में हर कुछ अपने हिसाब से नहीं चलता है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में आप अगर इतनी कम रकम से कुछ करना चाहेंगे तो कैसे होगा कुछ भी? या तो मेरी बात मानिए या फिर सब कुछ खत्म करिए। फैसला आपके हाथ में है। बॉस अमरेंद्र, मेरे लिए तो अभी ये करना मुश्किल है। क्या हम कोई दूसरे ऑप्शन को नहीं देख सकते? इससे पहले कि कबीर हर्षवर्धन के ऑफिस के अंदर जाता, उसने अंदर से तेज आवाजें सुनी, साथ ही सिचुएशन को बचाने के लिए हर्षवर्धन के शब्दों को भी सुना। कबीर अचानक अंजलि की तरफ मुड़ा, उसे देख अजीब तरह से मुस्कुराई। मास्टर कबीर, प्लीज आप थोड़ा रुकिए, मैं अंदर जाकर हर्ष साहब को इन्फॉर्म करती हूँ कि आप आ गए हैं। कबीर समझ गया कि वो अंदर सिचुएशन को देखने जा रही है। आखिर उसने भी तो आवाजें सुनी होगी, जिसे सुनकर कबीर चौंक गया था। बॉस, मास्टर कबीर आ चुके हैं। अंजलि ऑफिस में आई और हर्ष को बताया। क्या मास्टर कबीर यहाँ है? उसे अंदर आने दीजिए। नहीं, मैं खुद उनसे मिलूंगा। आपने उन्हें बाहर क्यों रोका है? ये कहने के बाद हर्षवर्धन जल्दी से बाहर चला गया। हर्ष ने माफी मांगते हुए कहा, मास्टर कबीर, आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। माफी चाहूंगा कि मैं आपको लेने नहीं आ सका। कबीर ने लापरवाही से अपना हाथ उठाते हुए कहा, इट्स ओके, आप बिजी तो नहीं है अभी? नहीं नहीं, मैं फ्री हूँ, हर्षवर्धन ने कहा। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए। हर्ष के पीछे कबीर भी उसके ऑफिस के अंदर चला गया। वेलकम एरिया में सोफे पर बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी था। शायद ये वही आदमी है जिससे अभी अभी हर्ष साहब बात कर रहे थे। डायरेक्टर अमरेंद्र के सामने एक सामान्य सा दिखने वाला युवक था। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हर्षवर्धन ऐसे लोगों के लिए अपने आप को इतना छोटा क्यों बना रहा है कि उसे वो बाहर से लेने जा रहा है। हर्षवर्धन ने दुखी होकर कहा, सर प्लीज मेरे गेस्ट को ऐसे मत बोलिए। अमरेंद्र ने अपने कान उठाए और अजीब स्वर में कहा, रिस्पेक्टेड गेस्ट, माफ करना, ये मेरे कानों ने नहीं सुना। या फिर मैंने उस इंसान को क्यों नहीं देखा जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आजकल एक ट्रेंड चला है, लोग अपनी आंखों पर पर्दा लगाए चलते हैं, कभी पैसे का तो कभी हैसियत का। इस तरह के लोग आमतौर पर बहरे भी होते हैं। डर और इज्जत के बीच बहुत बारीक फर्क होता है, कबीर ने उदास होकर कहा। अरे, अब इस दुनिया में क्या खराबी है? लोग दूसरों को कामयाब होता अब देख नहीं पाते हैं। गलती भी क्या किसी की, लोग आपको वैसा ही देखना चाहते हैं जैसे वो खुद होते हैं, गरीब और लालची, अमरेंद्र ने तिरस्कार में कहा। इससे पहले कि कबीर जवाब दे पाता, हर्षवर्धन ने हल्के स्वर में कहा, ये मेरा ऑफिस है बॉस अमरेंद्र, आप पहले जान लें फिर कुछ बोलें। हर्ष की बातों में उसके गुस्से को महसूस किया जा सकता था। अमरेंद्र एकदम से चौंक गया, उसने सोचा नहीं था कि हर्ष कुछ ऐसा भी कर सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हर्षवर्धन इतना परेशान क्यों दिख रहा था, वो भी एक मामूली से लड़के के लिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। उसके हाथों में अभी भी हर्षवर्धन का कंट्रोल था, उसने उसके लिए रवैये की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। शायद हर्ष कुछ ज्यादा ही बोल गया था। अमरेंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि ये किसका ऑफिस है, मैं जहाँ बैठ जाता हूँ वो जगह मेरी हो जाती है। तुम्हें शायद और पैसे चाहिए, अगर आप और चाहते हैं तो आप मुझे चाय की पेशकश कर सकते हैं। वाक्य के अंत में अमरेंद्र ने कबीर की नाक की ओर इशारा किया। कबीर ने मुंह फेर लिया। यदि हर्ष वहां नहीं होता तो वो सुबह इस अभिमानी व्यक्ति को नीचे गिरा देता। वो हर्षवर्धन की ओर मुड़ा और पूछा, क्या चल रहा है? हर्ष असहाय होकर मुस्कुराया और उसे कबीर को सब सच बताना पड़ा। कबीर को यह पता चला कि हर्ष का होटल बिजनेस बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, कई जगहों पर काम शुरू हो गया है, एक ही मॉडल के कई होटलों का निर्माण कार्य अन्य शहरों में एक साथ शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए था, जो शायद हर्षवर्धन के अकेले के बस में नहीं था। अमरेंद्र आहूजा एक निवेशक थे जो हर्ष को फाइनेंस कर रहे थे। उन्होंने शुरुआती दौर में भी हर्ष को आगे बढ़ने में, हर्ष को नहीं पता था कि अपने बिजनेस एक्सपेंशन में उसे ऐसा भी देखना पड़ेगा। अमरेंद्र को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल गया था जो हर्ष ने कबीर के लिए तैयार किया था। उसने सोचा कि वो अपने नए मालिक के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए हर्ष को कैसे मनाएगा। दरअसल अगर कोई और मामला होता तो उसने पहले ही हर्ष को बता दिया होता। हर्ष ने अपने दांत पीस लिए और सहमत हो गया था। हर्ष अमरेंद्र को बाहर नहीं जाने दे सकता था, चाहे कुछ भी हो, उसे अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में और आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में अमरेंद्र की जरूरत थी। कबीर के आने से पहले ही हर्ष उसके लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। अपने कुछ मुनाफे को कहीं और छोड़ने के लिए तैयार था वो। अमरेंद्र ने शायद सोचा था कि हर्ष को धमकाना आसान था, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ शर्तों को बदलने की बात की थी। वो नहीं चाहता था कि उसका बिजनेस फॉर्मूला
हर्ष किसी और के साथ शेयर करें। मास्टर कबीर ये वही परेशानी है जो मैंने खुद हर्षवर्धन चौधरी ने पैदा की है और इसे संभालूंगा भी मैं ही। हर्ष ने धीरे से कहा, माफी किस बात की, आपको क्या लगता है कि आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कबीर ने अमरेंद्र को घूरते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। अमरेंद्र जोर से हंसा और बोला, हर्ष मुझे चाय चाहिए और मुझे वो तुम दोगे। हो सकता है कि मैं इसे ना लूं, मुझे इंतजार पसंद नहीं है। आप चाय खुद से क्यों नहीं ले लेते हैं? कबीर ने अमरेंद्र से कहा। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, कहकर उसने अपने सामने से प्याला उठाया और उसमें थूक दिया। फिर उसने चाय का प्याला वापस चाय की मेज पर रख दिया और धीरे से उसे कबीर की ओर बढ़ा दिया। उसकी यह हरकत सिर्फ इसलिए थी कि वहां मौजूद लोग ये सोचें कि उससे बड़ा वहां कोई नहीं है। उसे हर्ष के ऑफिस वाली बात भी चुभ गई थी। बस मुझे तुम इसे पीकर दिखा दो। अमरेंद्र ने जो किया था उस पर हर्ष बहुत गुस्से में था। उन्होंने खुद कई बार कहा था कि कबीर उनके अपने मेहमान हैं। यह अमरेंद्र को वो फिर से बताता है। यह स्पष्ट था कि उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अमरेंद्र भूल चुका था कि हर्ष भी वहां मौजूद है। अमरेंद्र सर, आप बहुत दूर चले गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सब कुछ कर सकती है। आसमान को कभी भी एक छाते से नहीं ढका जा सकता है। अधिक से अधिक मुझे आपका पैसा नहीं मिलेगा, पर देखने वाली बात यह होगी कि क्या आपके शेयर होल्डर आपकी जगह ले सकते हैं, हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा। कबीर ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ओ हर्ष साहब, आप इतना गुस्सा मत करो, माफी की तो बात है, मैं इसमें अच्छा हूँ, मुझे इसे करने दो। गुस्सा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। आप बैठिए, मैं बात करता हूँ। अमरेंद्र अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसने सोचा कि आज तो हर्ष और इस डिलीवरी बॉय को सबक सिखा के ही दम लूंगा। इनको पता होना चाहिए कि एक फाइनेंसर से पंगा लेने से क्या हो सकता है। देखते ही देखते कबीर अमरेंद्र के पास गया और उसे एक जोर का धक्का देकर सोफे पे पीछे कर दिया। बाद में उसने वही चाय का प्याला उठाया और उसे अपने होठों पर लाया। अमरेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कबीर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी छाती पर कबीर के हाथ की ताकत को महसूस कर सकता था। मिस्टर अमरेंद्र, ये देखो, अच्छे से देखो। इतना कहकर कबीर ने चाय के प्याले में फिर से थूक दिया। थूकने के बाद उसने कहा, मुझसे माफी मांगो अमरेंद्र, मैं वही हूँ जो तुम्हारा सम्मान करता है। आज अपने रिस्पेक्ट को देखने के लिए मैं आपको एक स्पेशल चाय पिलाऊंगा। इतना कहने के बाद उसने वो प्याला अमरेंद्र को दे दिया पीने के लिए। वैसे तो कबीर बहुत शांत था, मगर आज इस इंसान की हरकत ने उसे हिला दिया था। उसने अभी एक ऐसे इंसान को तमीज सिखाने की कोशिश की है जो अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट फर्म के पॉलिसी मेकर में से एक था, यानी अमरेंद्र आहूजा। उसे इतना इंसल्ट कभी नहीं फील हुआ था। ऑफिस में पीछे की तरफ चिमनी में आग की लपटें भी उठ रही थी। यह आग उस वक्त दो लोगों के अंदर भी चल रही थी, एक था कबीर और दूसरी तरफ था अमरेंद्र। चाय लेने के बाद अमरेंद्र खड़ा होने ही वाला था कि कबीर ने उसको एक जोर का थप्पड़ मारा। हर्ष का ध्यान अचानक से उसकी तरफ गया जब उसने थप्पड़ की गूंज सुनी। कबीर ने आगे कदम बढ़ाया और अमरेंद्र के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और उसे वापस सोफे पर बिठा दिया। मैंने अभी कहा क्योंकि मैंने माफी मांगी थी, इसको दिल पे मत लेना। आपको लगता है कि आप इसे ले सकते हैं, तो इसे अच्छी तरह से ले लें। कबीर ने चाय का प्याला लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था, इस एक कप चाय पीने के बाद आप हमें माफ कर सकते हैं। आपकी माफी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अमरेंद्र ने कबीर के इरादों को देखा और उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन कबीर भी कहां उसको इतने हल्के में छोड़ने वाला था। अमरेंद्र ने चाहे कितना भी संघर्ष किया हो, वो पूरी तरह से दबा हुआ था। अब अमरेंद्र क्या करेगा, क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर वन, सिर्फ पॉकेट FM। हर्ष कमरे में एक तरफ बैठा हुआ सब देख रहा था। उसने मन में सोचा, आज तो अमरेंद्र साहब अपने जीवन का सबक सीख गए, बेचारे गलत आदमी से पंगा ले लिया है। काश कि अमरेंद्र साहब आप समझ पाते कि कबीर वास्तव में कौन है। हर्षवर्धन आगे बढ़कर सबको रोकते हुए बोले कि ये सब शायद उनकी गलती है। क्योंकि अमरेंद्र साहब माफी मांग रहे थे, बड़ा दिल दिखाते हुए हर्ष ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। वो कबीर से भी उनको छोड़ देने को बोलने लगे। उसके दिल में अभी भी अमरेंद्र के लिए इज्जत बाकी थी। इज्जत से ज्यादा वो ये समझता था कि बिजनेस रिलेशन इतने जल्दी खत्म नहीं करने चाहिए। अगर अभी वो अपना स्टैंड नहीं लिया तो कबीर चाय को अमरेंद्र के मुंह में डाल देगा। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस हर्ष को देखा। हर्षवर्धन समझ नहीं पाया कि कबीर उसे आंखों के इशारे से क्या कहना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अमरेंद्र ने पहले ही अपने पर्सनल सिक्योरिटी टीम को
एक प्रॉब्लम इंडिकेशन का मैसेज भेज दिया था। अमरेंद्र धीरे से बोला, मैंने इस बार सिचुएशन गलत जज कर ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हर्षवर्धन के पास तुम्हारे जैसा कोई होगा जो नियमों से अलग चलता है। जानते हो कबीर, मैंने यहाँ हर्ष के ऑफिस में आने के लिए कभी भी वक्त और हालात की परवाह नहीं की, मगर ये सिर्फ अमरेंद्र की चाल थी। वो सिर्फ कबीर और हर्ष का ध्यान भटका रहा था ताकि उसके बॉडीगार्ड्स को उसके पास पहुंचने का पूरा समय मिल जाए। उसे उम्मीद थी कि उनके आने के बाद वो सबको सबक सिखा पाएगा। ये आपको पहले सोचना चाहिए था मिस्टर अमरेंद्र आहूजा, कबीर ने जवाब दिया। मास्टर कबीर जाने दो उसे, अब बहुत हुआ। वो जैसा भी हो मेरा पुराना साथी है। हर्षवर्धन अपना गला साफ करते हुए टेंशन डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। कबीर हर्ष को बिना जवाब दिए चुपचाप अमरेंद्र के पास से हट जाता है। अमरेंद्र भी अपनी जगह से उठा और अपने कपड़ों को ठीक करने लगा। वो फिर धीरे से कबीर को देखते हुए दरवाजे की तरफ जाकर खड़ा हो गया। क्या मैं गलत था? मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि अपने औकात से बड़े इंसान को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। तुम आज समझोगे कि माफी कितनी बड़ी चीज होती है और इसे मांगने वाला इंसान छोटा ही होता है। मेरे बॉडीगार्ड्स आते ही होंगे। तुम लोगों को मैं रहम की भीख भी नहीं दूंगा। तुम लोग अब देखोगे कि ताकत क्या होती है। कबीर, जितना तुम एक महीने में कमाते होंगे उतने मेरे बॉडीगार्ड्स एक हफ्ते में उड़ा देते हैं। कबीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। आज तो इंसान को अपनी वाली चाय पिलानी ही पड़ेगी। अमरेंद्र को ऐसा लग रहा था कि इस तरह बोलकर वो अपना आत्मविश्वास वापस पा लेगा। उसने उनको धमकाना जारी रखा। आज से बहुत साल पहले तुम जैसे ही कुछ लोगों ने मेरे नाम का मजाक बनाया था। बाद में जानते हो क्या हुआ? उन लोगों की मिसिंग रिपोर्ट दिखाई गई थी। वो बेचारे आज तक नहीं मिले। हालांकि कबीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अमरेंद्र ने कबीर की ओर देखा और कहा, बच्चे तुम क्या जानते हो कि ताकत का क्या मतलब होता है? ये वो चीज होती है जिसे तुम जैसे लोग नहीं समझ पाते। ताकत का मतलब होता है पैसा। आज पूरी दुनिया के लिए एक ही भगवान है जिसे हम पैसा कहते हैं। वो कबीर की आंखों में डर देखना चाहता था, लेकिन कबीर ने अमरेंद्र को ऐसे देखा जैसे वो एक मूर्ख हो और कहा, तुम मूर्ख हो भले ही तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, तुम अभी भी मेरे हाथों में हो। अमरेंद्र के पास पहुंच चुका था। कबीर के हाथ में अभी भी वही चाय का प्याला था जिसे उसने रख दिया था। वो अब अमरेंद्र के बिल्कुल पास आ जाता है और एक हाथ से उसका गला पकड़ लेता है। फिर अमरेंद्र की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना दूसरे हाथ से अमरेंद्र के मुंह में मसाला चाय डालने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक से उसने अपने पीछे से हवा का एक झोंका सुना। कबीर के हाथ हिलना बंद नहीं हुए। कबीर को पीछे से एक जोर की किक मारी गई थी जिसका कोई खास असर होता दिखा। कबीर ने थोड़ा साइड होकर उस आदमी को मारा जिसने उसे अभी अभी किक मारी थी। उस आदमी के गिरने से पूरा कमरा हिल गया। कबीर को उसके इरादे से रोकना बहुत मुश्किल था। उसने देखते ही देखते अमरेंद्र के मुंह में वो मसाले वाली चाय का प्याला डाल दिया। हर्ष को पहले पता नहीं था कि अमरेंद्र क्या कर रहा है। वो स्पष्ट रूप से एक नुकसान में था, फिर भी उसने कबीर को भड़काने की हिम्मत की। हर्ष को पता था कि चीजें ठीक नहीं चल रही है। कबीर और अमरेंद्र में उसने कबीर को चुना था। वो अमरेंद्र की मदद नहीं करना चाहता था। चाय के बाद जैसे ही कबीर अमरेंद्र पर पानी डालने वाला था, अचानक वो आदमी दिखाई दिया जिसको अभी अभी कबीर ने किक मारी थी। वो अब कुछ होश में आने लगा था। अपने उम्र और शरीर को देखते हुए हर्षवर्धन ने खुद को इस मैटर से दूर रखना ज्यादा बेहतर समझा था। वो तो उस बॉडीगार्ड्स का साइज देखकर डर गया था। ऐसा कहा जाता था कि जब अमरेंद्र ने इस आदमी को मुंबई से बुलाया था तो इस पे 8 आदमियों को अकेले पीट पीट कर मार देने का आरोप था। आगे चलकर अमरेंद्र ने इसके सभी केस सॉल्व करा दिए और इसको अपने बॉडीगार्ड्स के रूप में रख लिया। हर्ष ये भी सोच रहा था कि कबीर के सामने बॉडीगार्ड कितनी देर टिक पाएगा, दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसके ऑफिस का क्या हाल होगा। वो इसे भी सोचकर परेशान था। किसने सोचा होगा कि जब वो बॉडीगार्ड आएगा तो वो कबीर को उसके मालिक को चाय पिलाते देखेगा। अचानक कबीर पर फिर हमला हुआ। इस बार उस आदमी ने कबीर को पंच मारने की कोशिश की। इतना मजबूत और भारी शरीर का इंसान कितनी फुर्ती से पंच कर रहा था। हर्ष जो कुछ भी देख रहा था उसे ठीक से पचा नहीं पाया था। दूसरी तरफ कबीर ने अमरेंद्र को सोफे पर फेंक दिया उस पंच को ब्लॉक करके। अब वो तैयार था उस इंसान से आमने सामने लड़ने के लिए। वो इंसान सीधा कबीर की तरफ बढ़ा। उसने देखते ही देखते कबीर पर अपने बॉक्सिंग के हुनर का प्रदर्शन किया। कबीर ये देखकर थोड़ा मुस्कुराया। उसने अंदाजा नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी उसे देखने को मिल सकता है इस इंसान से। कबीर उसके सब अटैक को डॉज कर रहा था। कुछ पल बाद कबीर ने उसके हाथ चलाने के तरीके से पता किया कि ये साउथ पॉ है, यानी कि लेफ्ट पोर्शन से लड़ने वाला इंसान। अब कबीर को समझ आ गया
कि उसका दाहिना हिस्सा कमजोर होगा। बिना वक्त गवाए उसने अपने कुछ कदम पीछे हटाए और एक जोर का पंच किया उस इंसान के राइट रिब्स पर। उसने इसे डॉज किया और मुस्कुराया, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि कबीर का वो पंच सिर्फ दिखावा था, वो दरअसल पीछे हटा था क्योंकि उसे किक मारनी थी। अब जब तक उस बॉडीगार्ड को कुछ समझ आता, कबीर की साइड किक सीधे उसके गर्दन पर लगी। कुछ पल के लिए मानो वक्त रुक सा गया था। हर्ष दिल ही दिल खुश हो रहा था, शायद वो इस परिणाम को पहले से ही जानता था, लेकिन जिस हिसाब से अमरेंद्र ने अपने बॉडीगार्ड की तारीफ की थी वो उस हिसाब से नहीं टिक पाया। या तो कबीर ज्यादा अच्छा फाइटर था या तो ये बॉडीगार्ड भी नॉर्मल ही था। यही बात अमरेंद्र के दिमाग में भी चल रही थी, कैसे एक मामूली से डिलीवरी बॉय ने उसके सबसे खास आदमी को जमीन पर लिटा दिया था। कबीर ने जैसे ही अपना पैर उसके गले से हटाया वो भारी भरकम आदमी जमीन पर गिर गया। कबीर अपना पैर देख के कहता है, जब इससे मेरे मास्टर नहीं जीत पाए तो तू कहां टिकने वाला था। वो आदमी वहीं गिरा था जहां वो चाय थोड़ी सी गिर गई थी जब कबीर उसे पिला रहा था। हर्ष ने सिर्फ नोटिस किया कि उस बॉडीगार्ड के मुंह से बहुत खून गिर रहा था, हालांकि उसे होश नहीं था। लड़ाई के कारण ऑफिस के कमरे में कुछ चीजें बिखर गई थी और एक दो स्टैंड लैम्प टूट गए थे। टूटे हुए लैम्प, कुछ बिखरे हुए कागज, खून, इन सब के बदबू से कमरा भर गया था। हर्ष धीरे आगे बढ़कर कमरे में मौजूद खिड़की और दरवाजे को खोल देता है। वो सोच रहा था कि एक चाय के लिए कबीर ने पूरा खाना ही बना दिया। उसने सच में एक पागल इंसान का इलाज कर दिया था। कबीर सच में किसी चीज की परवाह नहीं करता है। कबीर ने भी उस बदबू को महसूस किया था। ऐसा नहीं था कि कभी उसने ऐसा माहौल नहीं देखा था। कबीर याद करता है जब उसे एक मिशन असम के आउटर एरिया में करना था। चारों तरफ बहुत अंधेरा था और इसी तरीके की जलने की बदबू आ रही थी जो इस वक्त अभी कमरे में थी। कबीर ने एक तरफ से अकेले ही अपना मोर्चा संभाल रखा था। उस गांव में कुछ उनके हिसाब से कुछ लोगों ने स्मगलर्स को छिपाया था। ये लोग म्यांमार के रास्ते से तस्करी का माल इंडिया लाते थे। इनपुट पक्की थी और कबीर खुद 3 महीने से उनको फॉलो कर रहा था। स्नाइपर की दूसरी टीम ने भी उन लोगों को एक तरफ से घेर रखा था। सब कुछ उनके हिसाब से ठीक था। मौका मिलते ही उन लोगों को बाहर निकाल कर बस मारना था। लेकिन अचानक वहाँ कुछ गांव वालों के बीच मारपीट शुरू हो गई। वहाँ अफरा तफरी के कारण उन लोगों को पता चल गया कि उनको मारने के लिए कुछ लोग यहाँ आए। वो लोग कबीर की स्नाइपिंग टीम के तरफ कुछ हैवी फायरिंग शुरू कर देते। कबीर जानता था कि असॉल्ट राइफल के सामने अंधेरे में स्नाइपर काफी नहीं है। उसने तुरंत अपना पोजीशन छोड़ा और गांव में घुस गया। उसके बाद उसने वहां मौजूद गांव के लोगों को बम फेंक कर एक तरफ कर दिया। भीड़ जैसे ही एक तरफ आई, मौका देखकर उसने उन 8 लोगों को मार दिया जो वहां उस गांव में छुपे हुए थे। हर्ष की आवाज से कबीर वापस प्रेजेंट में आ जाता है। हर्ष उसे उसके हाथ को दिखाकर बताना चाहता था कि उसके हाथ में चोट लगी है। कबीर फिर बाद में नीचे गिरे बॉडीगार्ड को दिखाकर बताता है कि यह खून उसका है, वो बिल्कुल ठीक है। कबीर हर्षवर्धन की चतुराई की स्वीकृति में सिर हिलाया। उसके ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था वो आम बात नहीं थी, मगर हर्ष ने बहुत चतुराई से सारी सिचुएशन को संभाल लिया था। हर्ष का आज सही हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कबीर ने फिर हर्ष को इशारा किया कि किसी को बुलाकर उस बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल भेज दे। हर्ष ने तुरंत अपना फोन निकाला और अंजलि को एम्बुलेंस बुलाने को कहा। कमरे में बैठे 3 लोगों को 3 तरीके से ख्याल आते हैं। एक तरफ था हर्ष, जिसने अभी अपने सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर और फाइनेंसर को बहुत बुरी तरह गुस्सा दिला दिया था। एक तरफ था कबीर, जो आया किसी और काम से था, मगर एक नए दुश्मन ने उसको वो सब करने को मजबूर कर दिया जो वो शायद कभी करना नहीं चाहता था। आखिर में अमरेंद्र, जो समझ नहीं पाया था कि क्या हुआ है उसके साथ। अक्सर जब बड़े लोगों के साथ कुछ बहुत बुरा होता है तो वो लोग उसे समझ नहीं पाते। अमरेंद्र को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो जो चमकते हुए चेहरे के साथ आया था, अब एक अजब से मायूसी उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। इतने में कुछ लोग वहां पहुंचे। वे लोग शायद अमरेंद्र के आदमी थे। वो 2 थे। उन दोनों में से एक बॉडीगार्ड दौड़कर अमरेंद्र के पास बॉस बॉस करता गया। वहीं दूसरा बॉडीगार्ड उस गिरे हुए आदमी को हल्का फुल्का संभालने की कोशिश कर रहा था। कबीर से आखिर में रहा नहीं जाता और वो उसे बोल पड़ता है, अबे उसे हॉस्पिटल ले जा, क्या उसके साथ कथक खेल रहा है। उस बॉडीगार्ड ने कबीर की बातों का ध्यान नहीं दिया, मगर दूसरा बॉडीगार्ड जो अमरेंद्र के पास था, उसे कबीर का लहजा पसंद नहीं आता। वो उसे बुलाता है, ए लड़के चुप कर, नहीं तो उसकी जगह अभी
तुझे हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाएगी। अमरेंद्र कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस बॉडीगार्ड को इशारे में कबीर को मारने को कहता है। हर्ष अमरेंद्र की बात समझ जाता है। वो आगे बढ़कर उस बॉडीगार्ड को रोकते हुए कहता है, यह पहले ही सुबह से बहुत कुछ हो चुका है, मुझे उम्मीद है आप लोग अब खुद को एक बेहतर बातचीत पर रोक लेंगे। हर्ष अब और अपने ऑफिस को तबाह होते नहीं देख सकता था, साथ ही वो कबीर को भी किसी केस में नहीं फंसाना चाहता था। कबीर कहता है, रहने दीजिए हर्ष साहब, इन लोगों को आज पार्सल का सही मतलब बताना है, बस आज पार्सल में मुझे इंसान डिलीवर करने हैं। ऐसा बोलते वक्त कबीर अपने हाथ को स्क्रैच कर रहा था, ये लड़ाई के लिए तैयार होने का एक सिंबल था। अमरेंद्र को अचानक थोड़ी उल्टी जैसी महसूस हो रही थी। बॉडीगार्ड ने तुरंत उसको वॉशरूम का रास्ता दिखाया। हर्ष धीरे से कबीर के पास जाता है। वो जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, कबीर हाथों से उसे रिलैक्स करने को कहता है। अमरेंद्र अब बाथरूम में आ चुका था। वो कबीर को हर्ष से बात करते हुए मुस्कुराता देखता है। उसे लगता है कि हर्ष ने उसे चीट करने के लिए कबीर को कॉन्ट्रैक्ट के बहाने बुलाया है। उसका चेहरा अभी भी लाल दिख रहा था। अल्फा डोंट टॉक, गो एंड बीट दैट मैन, गो, अमरेंद्र ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। अपने बॉडीगार्ड को आगे बढ़ते देख वो जोर से कहता है, पहले इस लड़के के दोनों हाथों को अपंग करो। ऐसा बोलते हुए अमरेंद्र कांपकर जमीन पर बैठ जाता है। अल्फा ने आगे बढ़ते हुए कहा, समझ गया बॉस, आप वहीं रहें। कबीर वहीं आराम से खड़ा था। वो देखना चाहता था कि ये क्या करता है। उसने अपने पंख जैसे हाथों को आगे बढ़ाया और कबीर के दोनों हाथों को पकड़ लिया। जिसने भी उसे देखा, उसे लगेगा कि अगर उसने हाथ पकड़ लिया है तो कबीर के हाथ निश्चित रूप से वो फाड़ देगा। कबीर ने अपने सामने खड़े उस बॉडीगार्ड को अपमान से देखा। कबीर ने उसको चालाकी से आगे अपनी ओर खींचा और अपने हाथों को जोड़कर उस इंसान के पेट में घुसा दिया। कबीर को ऐसा करते देख वो हंसने लगा। फिर अचानक कबीर ने हाथ को मोड़ दिया और बाहर निकल दिया। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, वो अपने पेट को पकड़कर वहीं बैठ गया। कबीर उसे जाने नहीं देने वाला था। उसने एक और लात मारी और बॉडीगार्ड को वहीं जमीन पे लेटा दिया। ये किक इतनी जोर की थी कि उसकी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा था। हर्ष के ऑफिस में लकड़ी के फर्श की दरारों में पुरानी धूल उड़ गई। इसे जिसने भी देखा वो दंग रह गया। हर्ष और उसकी सचिव मिस अंजलि अवाक रह गए थे। अंजलि के दिमाग में अभी नीचे के सीन चल रहे थे। शायद अगर वो नहीं भी होती तो मास्टर कबीर उसे आसानी से खुद ही सॉल्व कर देते, सब कुछ जमीन पर ऐसे ही लिटाकर। 2 मीटर लंबे इस आदमी का वजन कम से कम 75 किलो था। उसे कबीर ने 2 आसान चालों में धूल चटाई थी। द ग्रेट बुद्धा, हर्ष ने धीरे से कहा। अमरेंद्र जो पीछे हट रहा था, अब वो पीछे हटने से भी डरता था। वो सोचता है कि किस तरह का राक्षस है। जल्दी उसे लगने लगा कि यहाँ रहना ज्यादा देर अच्छा नहीं होगा। ये साथ ही वक्त बिताने या मिलने के लिए ठीक नहीं था। उसने अभी आधे घंटे में उसके 2 पहलवानों को धूल चटाई थी, वो भी बिना कोई चोट खाए। अब उसको उसके तुरुप का पत्ता चला गया था। वो ये भी सोचता है, क्या अब ये मुझे नहीं मारेगा? ये सोचकर वो कांप उठा। उसने अपने बॉडीगार्ड की परवाह भी नहीं की और कुछ भी बुरा कहने की हिम्मत नहीं की। वो अपने पैरों के बीच अपनी घमंड की पूंछ के साथ भाग गया। अमरेंद्र लिफ्ट की ओर भागा और अपनी सांस पकड़ने के लिए रुक गया। कबीर ने उसको जब पकड़ा था तो जानबूझकर उसकी कोई सी नस दबा दी थी, जिससे उसे चक्कर आ रहे थे। जब उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो उसने थोड़ी चैन की सांस ली। उसकी आंखों के सामने अभी भी उसके बॉडीगार्ड जो ऑफिस में गिरे थे, उनका चेहरा आ रहा था। उनकी हालत देख उसकी सारी हिम्मत खत्म हो गई। वो अभी भी सोच रहा था कि वो आज का बदला जरूर लेगा। अगर उसने उस बच्चे को अपंग न किया तो उसके दिल का गुस्सा शांत नहीं होगा। और वो हर्षवर्धन, अगर उसे उसी के होटल के सामने भीख नहीं मंगवाया तो मेरा नाम अमरेंद्र नहीं। अमरेंद्र का दिमाग लगातार चल रहा था। जैसे ही उसने अपना मन शांत किया, वो उस ऑफिस से निकल गया था। दूसरी तरफ ऑफिस में अब एक शांति थी। हर्ष ने सचिव को सफाई कर्मचारियों को सफाई के लिए बुलाने को कहा। उस मोटे आदमी को देखकर जो अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था, हर्ष असहाय महसूस कर रहा था। आज तो कबीर ने उसकी पेंट ही खोल दी थी। कबीर ने वास्तव में अमरेंद्र को इतना डरा दिया कि वो अपने लोगों पर ध्यान दिए बिना ही भाग गया। हर्षवर्धन ने कहा, मास्टर कबीर, आपको क्या लगता है किस आदमी को क्या करना चाहिए? कबीर ने उस मोटे आदमी की ओर देखा जो अभी भी उठने में असमर्थ था और बोला, इस आदमी ने कहा कि मुझे अस्पताल के बिस्तर पर लेटना है। ठीक है,
ये कहने के बाद उसने उस आदमी पर एक्यूपॉइंट मारा और दो बार गले की नस के पास दबाया। हर्ष ने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे थे उसके साथ? कुछ नहीं, बस अब वो जिंदगी भर हॉस्पिटल में ही रहेगा। कबीर आराम से बोलते हुए सोफे पर बैठ गया। ये बात सुनकर हर्ष बुरी तरह डर गया। अंत में उसने उससे डरते डरते पूछ लिया, कैसे? कुछ समझा नहीं। कबीर मुस्कुरा कर कहता है, अब वो इंसान अपाहिज हो चुका है, उसे मेरे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। आप बस इतना समझिए कि इसको अभी हॉस्पिटल जाना है और अब वहीं रहना है कुछ दिन। हर्ष कुछ देर उस गिरे हुए इंसान को देखता है और फिर कबीर को देखता है। कमरे में अब अंजलि भी खड़ी थी। हर्ष उसको देखकर वैसा ही करने को कहा। हर्ष जानता था कि भले ही अमरेंद्र ने आज हार मान ली हो, मगर वो वापस जरूर से हमला करेगा। कहीं ना कहीं हर्ष अब ये भी जानता था कि कबीर उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा। कबीर के व्यापार में उतरने का समय आ गया था। एक तरफ कमरे को साफ किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसने जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्टर को निकाल लिया। ये वही कॉन्ट्रैक्टर था जिसके लिए अभी सब कुछ हुआ था। हर्ष ने कबीर को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हर्षवर्धन ने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे, अब केवल कबीर को इसे वापस लेना था और केशव सारस्वत को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करना था। कबीर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया और सोचा कि हर्ष ने पहले क्या कहा था। इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण अमरेंद्र आहूजा नाराज हुए थे। कबीर बोलता है, हर्ष साहब, इस निवेश के बारे में मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा। चलो देखते हैं कि क्या कोई उम्मीद है। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर कबीर, हर्ष ने आराम से बोला। वो अपने दिल में थोड़ा निराश था। हर्ष का मानना था कि कबीर अन्य तरीकों से अच्छा था, लेकिन 300 करोड़ के अधिक का निवेश इतना आसान नहीं हो सकता। ये सिर्फ इतना था कि वो कबीर के भोलेपन का फायदा नहीं उठा सकता था। कबीर हर्ष की आंखों में अविश्वास देख सकता था। उसने नरमी से कहा, ठीक है, मैं बस लापरवाही से उससे संपर्क कर रहा था, इसलिए शायद ये काम ना करे। इसके साथ ही उसने अपना फोन निकाला और कार्तिकेय को बुलाया। भाई, आपने आखिरकार मुझे फोन किया? फोन बजते ही उठ गया था। इससे पहले कि कबीर बोलने के लिए अपना मुंह खोल पाता, कार्तिकेय ने उतावला होकर कहा, ठीक है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जिस वन फाइनेंस सॉल्यूशन के बारे में आप बात कर रहे थे मैसेज पर, वो कंपनी बहुत खराब नहीं है? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, ये नॉर्थ वेस्ट डिवीजन में शीर्ष में से एक है। क्या आपके पास उससे बात करने के लिए कुछ है? कार्तिकेय ने असमंजस में पूछा। ये सोचकर कि उसके बड़े गुरु को वन फाइनेंस सॉल्यूशन से संपर्क करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। हाँ, मेरे पास एक होटल रिलेटेड प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे निवेश करने की आवश्यकता है। उससे पूछूं कि क्या वो इंटरेस्टेड है? कबीर ने उत्तर दिया। कार्तिकेय ने दृढ़ता से कहा, हमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। प्रोजेक्ट कहाँ है? मैं उसे तुरंत बताऊंगा। कबीर ने कहा, ठीक है, अच्छा सुनो, उसे सीधे हर्षवर्धन चौधरी से संपर्क के लिए कहो। कार्तिकेय ने उत्तर दिया, नोटेड बॉस, लेकिन आप बाहर गवाने वाले हो, मुझे आपसे मिलना है। कबीर ने कहा, हाँ मुझे पता है, मेरा काम पूरा होने तक रुको, फिर देखते हैं। वास्तव में कबीर इतना बिजी नहीं था, वो सिर्फ अपने पास्ट लाइफ को अपने प्रेजेंट से काट देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसका पास्ट उसके प्रेजेंट को कैसे भी बर्बाद करे। वो काजल के लिए और भी ज्यादा डरता था। हर्ष ने कबीर को फोन काटते देखा और अविश्वसनीय रूप से पूछा, मास्टर कबीर, क्या वो वन फाइनेंस सॉल्यूशन था जिसके बारे में आप फोन पर बात कर रहे थे? कबीर ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, आपने सही सुना। ये कंपनी पूरे साउथ ईस्ट एशिया को डोमिनेट कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि ये कंपनी एक समय बुरी तरह से सर्वाइव कर रही थी। आज इस कंपनी के साथ काम करना बहुत बड़ी बात थी। हर्षवर्धन भी ये बात जानता था। भारत में नॉर्थ वेस्ट विंग पर इस कंपनी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। हर्ष के लिए सोचने वाली बात ये भी थी कि कबीर को कैसे ये सब पता था। इसका कारण था उसका पुराना साथी कार्तिकेय। कार्तिकेय ने सब कुछ लगभग सेटल कर दिया था। वो जाने के लिए खड़ा होता है तभी हर्ष का फोन बजा। फोन उठाते ही उसका चेहरा उदास हो गया। कबीर की जिंदगी में इस मुलाकात के बाद क्या तूफान आता है, जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर वन। को संदेह हुआ था कि जब कबीर ने पहली बार कहा था कि वन फाइनेंस सॉल्यूशन कंपनी है, हर्ष की जानकारी से इसके मालिक थे मिस्टर चराग जमात। वो इनसे कभी मिला तो नहीं था, मगर एक पारसी पार्टी में इसका नाम बहुत लिया गया था, तब हर्ष ने इसको जाना था। कुछ समय बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में इनको चराग को सुनने का मौका मिला था। अपने समाज में चराग की बहुत इज्जत थी, कुछ लोग उसे पावर ब्रोकर भी कहते थे। साउथ ईस्ट एशिया के कई देश में चराग का ऑफिस था
और उसने सब जगह अपने मुताबिक माहौल बना रखा था। हर्ष को अभी अभी जो फोन आया था वो खुद चराग जमाल ने किया था। वो चराग की आवाज से परिचित था, जैसे ही वो पहले उनको सुन चुका था। कबीर हर्ष के चेहरे के भाव को पढ़ पा रहा था। वो कुछ परेशान और कुछ घबराया हुआ था। कबीर उसकी तरफ बढ़ा और पूछता है, हर्ष साहब आप ठीक तो है ना? किसका फोन था? हर्षवर्धन ने जवाब दिया, मास्टर कबीर आप क्या हो, मुझे अब ये समझने के लिए शायद एक और जन्म लेना पड़ेगा। आप अद्भुत हैं। चिराग जमाद ने खुद मुझे जल्दी बुलाया है। इतना ही नहीं, चिराग ने फोन पर मेरे होटल बिजनेस के एक्सपेंशन को पॉजिटिव रिव्यू दिया है। कबीर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, दैट्स ग्रेट, अब हमें पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं, अब तो नहीं होनी चाहिए, हर्ष ने खुश होकर बोला। जैसे कि हमारी बात हुई, अभी वो फ्रांस गए हुए हैं। जब वो आएंगे तो नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट के सारे पेपर्स तैयार करने होंगे। उन्होंने फिलहाल मेरे बिजनेस अकाउंट में कुछ 100 करोड़ जमा करा रहे हैं। उसने कबीर की काबिलियत पर शक किया था, अभी वो इस गलती के लिए खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। दूसरी तरफ वो चिराग को बधाई देता है अपने मन में। अगर उसने होश खोकर कबीर की मदद से इनकार कर दिया होता तो वो शायद अब तक मर चुका होता। मास्टर कबीर के पास कितनी शक्ति थी, उसने केवल एक फोन कॉल करके चिराग को कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना लिया। कबीर शायद इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को भी नहीं जानता था, फिर भी वो सीधे अपने पक्ष में 100 करोड़ बस कुछ वक्त में मंगा लेता है। ये सब कबीर की वजह से था। कबीर ने एक पल के लिए सोचा, वो चिराग से परिचित नहीं था। सच में क्या अनजान है, हर्ष शब्दों से परे हैरान था। चिराग का फोन आना, वो भी मिनट के अंदर, फिर हर शर्त को तुरंत हाँ कर देना, एडवांस में 100 करोड़ रुपए देना, ये सब बातें आपको इशारा दे रही थी कि कबीर चिराग को अच्छे से जानता था। रास्ते में हर्ष से बात करने के बाद कबीर सोचता है कि अगर कार्तिकेय नहीं होता तो शायद ये डील भी नहीं हो पाती। हिटमैन बिजनेस में कई लोगों ने मिशन स्वीकार किया, पैसा कमाया, पैसा खर्च किया और फिर मिशन स्वीकार कर लिया। उन्होंने इसे तब तक दोहराया जब तक कि एक मिशन के बीच में उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ऐसे ही एक मिशन के वक्त कार्तिकेय की मुलाकात हुई थी चिराग जमात से। कार्तिकेय ने जब देखा कि इस इंसान के पास पैसों से खेलने की काबिलियत है तो उसने अपना पैसा उसे इन्वेस्ट करने को दे दिया। चिराग ने भी इस डील से बहुत कमाया था। उसने इसका कुछ फायदा कंपनी के तौर पर भी उठाया था। इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों में वन फाइनेंस सॉल्यूशन आकार में बड़ा हो गया था। इतनी देर में कबीर को सड़क किनारे काजल दिख जाती है। कबीर दूर से देखता है कि काजल खुद को ठंड में समेटे हुए हल्के धूप में खड़ी थी। धूप की रोशनी उसके चेहरे और बालों को और खूबसूरत बना रही थी। अब वो उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही कबीर ने कार पार्क की, काजल उसके सामने कूद गई। काजल ने मासूमियत से कहा, दुष्ट आदमी, इतनी देर क्यों इंतजार कराया? कबीर तुरंत मुस्कुराया और कहा, कुछ फाइल्स कलेक्ट करना था इसलिए देर हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। हालांकि उसने आज बहुत बड़ी खुशखबरी हासिल की थी, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। काजल ने खुशी से पूछा, क्या अच्छी खबर है? एक पल रुको, मुझे लगता है आपने आज मेरे पार्सल को सही सलामत वक्त पे पहुंचा दिया। कबीर ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मैंने आज केवल एक को स्वीकार किया है, कुछ और भी हैं आप जिसमें मैं बिजी हो जाऊंगा। काजल ने अविश्वास में कहा, कुछ भी क्या हो सकता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट की बात थी? क्या सूफिया मान गई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए? काजल थोड़ी उदास थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि क्यों इस संभावना को महसूस करने पर कबीर भी उदास हो गया। कबीर ने कबीर के विचारों को देखा और फिर काजल के सिर को प्यार से थपथपाया, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये पहले से ही बहुत करीब है। काजल ने अविश्वास में पूछा, तो क्या ये वही हर्षवर्धन साहब हो सकते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या? हाँ, जिसका वार्षिक लाभ 2 से 3 मिलियन है। हाँ, कबीर काजल के सवालों के साथ बार बार हंसा। आश्चर्यचकित होना काजल की गलती नहीं थी, यहाँ तक कि वो जानती थी कि कबीर और हर्षवर्धन केवल एक दूसरे को जानते थे, अधिक से अधिक उन्होंने परिचित माना जा सकता है। कबीर ने कम से कम सोफिया की जान बचाई और कबीर के प्रति सोफिया के रवैये से ये साफ था, सोफिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना आसान होगा। यही कारण था कि काजल ने तुरंत सोफिया की पहचान का गैस किया था। मिस्टर कबीर, आई लाइक इट, इस तरह मॉम डैड की राय जरूर में बदलेगी, मुझे पता था कि आप एक अच्छे इंसान हैं। काजल पहले से भी ज्यादा खुश लग रही थी। कबीर ने तुरंत काजल को खींच लिया, जो ऊपर और नीचे कूद रही थी। उसे डर था कि वो अपना पैर मोड़ लेगी,
क्योंकि ये बहुत अधिक खुश थी और वो अपनी खुशी कूद कर बता रही थी। आज कबीर काजल के साथ एक नए रेस्टोरेंट में दोपहर के खाने का मन बनाता है। वो दोनों दोपहर के समय घर जाना पसंद नहीं करते थे। इसका कारण था कि कबीर को काजल की माँ जब भी देखती थी बहुत जलील करती थी। हमेशा की तरह ये बात काजल को पसंद नहीं आती थी। खैर, अभी काजल खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कबीर को घर ले जाने की तैयारी की। उसको आज भूख खाने की नहीं थी, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए माता पिता को खुश देखना चाहती थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, लो देख लो और अब चलो पहले खाना खाते हैं। अपने माता पिता को बताने के लिए उसे आज रात तक का इंतजार करना था। काजल ने सोचा कि ये सही है और उसने एक नजर डालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया। काजल ने आश्चर्य से कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने इसे देखा भी नहीं है, कबीर ने लापरवाही से कहा। काजल ने कॉन्ट्रैक्ट के साथ कबीर को कुछ जगह की ओर इशारा किया। ये सब वो क्लॉज जिनकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जगह हर्षवर्धन की कुछ अथॉरिटी को मेंशन किया गया था। अंत में हर्ष के सिग्नेचर के साथ मेडिसिन ग्रुप की ऑफिशियल सील थी। हालांकि काजल को ये नहीं पता था कि इस लीगल एग्रीमेंट को कैसे खत्म किया जा सकता है। काजल इस कॉन्ट्रैक्ट में कबीर को मिले सम्मान को महसूस कर पा रही थी। वो दोनों एक छोटे से रेस्तरां में जाते हैं जहां वे अक्सर जाते थे। आज कुछ अलग ही मजा था उस खाने का। काजल ने खुशी में कुछ ज्यादा ही खा लिया। खाने की मेज पर आदतन काजल बिना रुके बातें करती रही। कबीर के कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उसने अपने माता पिता के जीवन के बारे में कबीर के साथ लंबी बातचीत की। बेशक उन्होंने अनजाने में ये बात भी की कि कॉन्ट्रैक्ट में हर्ष साहब का पक्ष पहले से ही सही था। काजल सब बातों के बाद भी कुछ उलझन में थी। कबीर खाते खाते उसे नोटिस तो कर रहा था, मगर कुछ बोलता नहीं है। आखिर में उसने उससे पूछ लिया, क्या बात है काजल, आप कुछ छिपा रही हो हमसे? काजल धीरे से कहती है, कुछ खास नहीं, बस सोच रही थी कि डैड इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे संभालेंगे। उनका बिजनेस का जो भी एक्सपीरियंस है वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। कबीर कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, अगर पापा को कुछ दिक्कत आती है इधर मेंटल और फिजिकल तो मैं संभाल लूंगा। जानते हो, काजल कहती है, हमें घर के लोगों से भी सावधान रहना होगा, जैसे कि हमारा रिश्ता वहाँ किसी को पसंद नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस में कोई दिक्कत आई तो वे लोग फिर से अपनी चाल चलने लगेंगे। कबीर के लिए बेहतर होगा कि वो सोफिया की तलाश ना करें। आखिर दूसरों को परेशान करना ठीक नहीं था। कबीर काजल के विचारों को कैसे नहीं जान सकता था। कबीर भी चाहता था कि काजल के उसके माता पिता से रिश्ते अच्छे हो जाएं। खाना खत्म हो चुका था और काजल वापस अपने कॉलेज जा चुकी थी। कबीर के पास अब करने को कुछ नहीं था, उसने आज के सब पार्सल भी दे दिए थे। वो सोच ही रहा था कि और ऑर्डर चेक कर लूं, तभी उसका फोन बज उठा। जब उसने अपना फोन चेक किया तो पाया कि सोफिया ने उसे बुलाया था। वो उससे क्या चाहती थी? कबीर ने असमंजस में सोचा और उसने फोन उठाया और उसके बोलने का इंतजार नहीं किया। दूसरी तरफ सोफिया की आवाज आई, कबीर ये बुरा है, जल्दी आओ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कबीर का दिल धड़क रहा था, क्या सुहानी को कुछ हुआ है? कबीर ने तुरंत पूछा, सुहानी को क्या हुआ? सोफिया हैरान थी, फिर उसने कहा, मैं अपने दादाजी को बचाने के लिए तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ हो? मैं आती हूँ और तुम्हें रिसीव कर लेती हूँ, मैं इसे फोन पर नहीं समझा सकती, हम मिलकर इसके बारे में बात करते हैं। कबीर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करें। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। एक तरफ आज उसने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपना रास्ता साफ किया था और अचानक फिर ये, काजल ने उसे मना कर दिया था। सोफिया को लेकर काजल थोड़ी असहज थी। इसका पता कबीर को था, लेकिन इतनी ज्यादा थी ये नहीं जानता था वो। अगर अभी वो सोफिया के साथ चला जाए तो हो सकता है काजल को बुरा लगे। उसका दिमाग 10 तरह के ख्यालों में खोया हुआ था। कई बार हम सोच की उस गहरे को छू लेते हैं जहां हमें लगता है कि कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ज्यादा गहरी सोच कई दफा आपको ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां जवाब आपके सामने होते हुए भी आप उसको देख नहीं पाते। कबीर और काजल की जिंदगी में सोफिया के इस एक कॉल से क्या मुश्किलें पैदा होगी, जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1। कबीर वैसे तो उलझन में था, मगर आखिर में उसने जिंदगी का फैसला किया। कबीर ने कहा, तो ठीक है, और मुझे यूनिवर्सिटी गेट के सामने मिलो, मैं यहाँ खड़ा हूँ।
सोफिया से ये सुनकर कि किसी की जान बचाना बहुत बड़ी बात है, कबीर ने फैसला करते हुए उसे अपनी लोकेशन बता दी, मगर अंदर से वो अभी भी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं था। कबीर यूनिवर्सिटी गेट के सामने एक छोटे से अशोक के पेड़ के पास खड़ा था। उसकी नजर रोड के दोनों तरफ थी। कुछ मिनट बाद उसके सामने एक लाल रंग की फरारी आकर रुकी। गाड़ी के रुकने से कबीर समझ गया कि ये सोफिया ही है। उसने बिना देर किए गाड़ी की तरफ रुख किया। कार में कबीर के बैठते ही सोफिया ने गाड़ी मूव कर दी। उसने कबीर के ठीक से बैठने का भी इंतजार नहीं किया, फरारी दहाड़ कर मुड़ी और जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते पर वापस निकल गई। कबीर ने अपनी सीट बेल्ट बांधते हुए पूछा, मुझे बताओ क्या चल रहा है, क्या दिक्कत होगी दादाजी को? सोफिया कबीर से ज्यादा ध्यान सड़क पे दे रही थी क्योंकि वो बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। माफ करना, सुना नहीं क्या? सोफिया माफी मांगते हुए पूछती है। क्या हुआ दादाजी को, कैसे उनकी तबीयत बिगड़ गई? कबीर ने पूछा। सोफिया ने कहा, कहानी लंबी है। हाँ तो छोटा करके सुनाओ, कबीर बोला। सोफिया के दादा आर्मी में थे, उन्होंने बहुत सारी जंग लड़ी है। उन्हीं लड़ाई में वो बहुत बार घायल भी हुए थे और बहुत दफा उनकी जान जाते हुए बची थी। खैर उस समय वो जवान थे तो बॉडी रेजिस्ट कर जाती थी, अब जब उनका शरीर साथ नहीं देता तो वही पुरानी चोट उनको बहुत परेशान करती है। इन सभी बातों के साथ सुहानी का एक्सीडेंट भी एक कारण था उनकी तबीयत खराब होने का। सोफिया बोलती जा रही थी और कबीर सब कुछ जैसे दिमाग में फीड किए जा रहा था, हालांकि वो कन्फ्यूजन में था कि वो उनका इलाज कैसे करेगा। सुहानी के एक्सीडेंट से दादाजी की तबीयत कैसे खराब हो गई, कबीर पूछता है। अरे वो उनको शायद से शॉक लगा था, उनको जब पता लगा कि सुहानी को बहुत चोट आई है वो फिर भी ठीक थे, मगर जैसे ही उनको बताया गया कि किसी और ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी थी तो वो बहुत गुस्सा हो गए, बस इसी के बाद से उनकी तबीयत खराब है। हालत ये है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, सोफिया ने बताया। ओह तो ये बात है, कबीर ने रिएक्ट किया। फिर उसने पूछा, डॉक्टर ने क्या किया इसके रिलेटेड? परिवार के डॉक्टर बेबस थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मुझे हॉस्पिटल का वो सीन याद आया जब आपने सुहानी की जान बचाई थी, तब मैंने आपको फोन लगाया और मदद मांगी। आई एम सॉरी पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे साथ आने में। देखते ही देखते गाड़ी मेन रोड से नीचे उतर गई। सोफिया का घर दो तरफ से पहाड़ से घिरा था। दोनों गाड़ी के बाहर आ गए और सोफिया सीधे अपने घर की तरफ बढ़ गई। कबीर सोफिया के पीछे बढ़ा और देखा कि खूबसूरत महिला उनकी ओर चल रही है। मैं कहती हूँ तुम्हारे दादाजी पहले से ही इतने बीमार हैं और तुम अभी भी इस समय घर से बाहर घूम रही हो, क्या तुम अपने दादाजी की परवाह नहीं करती हो? तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे दादाजी तुम पर और ब्रूक पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। चाची आपको अपनी छोटी बहन पर नजर रखनी चाहिए, वो मुझसे ज्यादा घूमती है। मैंने कुछ दिन पहले उसके बदलते बॉयफ्रेंड को देखा था, सोफिया ने तीखे स्वर में जवाब दिया। इसके अलावा ये मिस्टर कबीर, ये वही हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। क्या ये डॉक्टर है जिसे आपने आमंत्रित किया था? तुम्हारा दोस्त एक मरीज का इलाज कैसे कर सकता है? मुझे लगता है आपने मेडिकल कॉलेज से एक अनप्रोफेशनल को चुना है। सोफिया की चाची कुसुम ने कबीर को देखा और उसका मजाक उड़ाया। चाची आप मिस्टर कबीर के ट्रीटमेंट स्किल को नहीं जानती हैं। ये क्या कर सकते हैं आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में चिंता मत करो आप, जैसा मैंने पहले कहा आपको आपकी छोटी सी प्यारी बहन पर ध्यान देना चाहिए, सोफिया ने उत्तर दिया। उसकी चाची उसे कुछ और नहीं कहती। बेटा क्या आपने इसी इंसान की बात की थी? यही है वो जिसने सुहानी की जान बचाई थी, अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। हाँ पिताजी ये वही है जिनके बारे में मैं बात कर रही थी मिस्टर कबीर, सोफिया ने पेश किया। इतना छोटा, सोफिया के पिता अमर बहादुर ने अविश्वास में कहा। उसने मन ही मन सोचा, क्या सभी डॉक्टर जितने बड़े हो जाते हैं क्या उतने मजबूत नहीं होते? सोफिया को एक युवक ही मिला था क्या? ये किस तरह की बीमारी हो सकती है? क्या सच में ये मेरे पिता को ठीक कर सकता है? मुझे एक बार कन्फर्म हो जाना चाहिए। बेटा ये कहाँ काम करते हैं, मेरा मतलब है किस हॉस्पिटल में, अमर बहादुर ने पूछा। इस पर सोफिया ने अपना दिमाग तुरंत लगाया। ये दोस्त एक डिलीवरी बॉय है, ये बात तो बता नहीं सकती है, मगर उसने ऐसा कहा तो चाहे उसने उसकी कितनी भी रक्षा की हो और उसका परिवार इसे मानेगा नहीं। वो फिर किसी भी कीमत पर कबीर को अंदर नहीं जाने देंगे दादाजी के पास। अपनी बेटी के चेहरे को देखकर अमर बहादुर को शक हुआ। उसने फिर कबीर की ओर रुख किया और पूछा, मिस्टर कबीर आपने किस कॉलेज से मेडिकल डिग्री ली है? मैं कभी कॉलेज नहीं गया, कबीर ने उत्तर दिया। वाह ये है प्रतिभाशाली डॉक्टर जो इलाज करते हैं, कॉलेज भी नहीं गए। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का इलाज करते हैं, मगर जानना जरूर चाहूंगी। बगल में खड़ी कुसुम यानी सोफिया की चाची ने कबीर पर तंज कसा।
अमर बहादुर अपनी बेटी पर भरोसा करता था जो हमेशा शांत रहती थी। उसने पूछना जारी रखा, आप कभी कॉलेज नहीं गए हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मिस्टर कबीर के परिवार में बहुत डॉक्टर होंगे, कई बार हम अपने परिवार से सीख लेते हैं। आपने किससे सीखा है? मैंने खुद से सीखा है, कबीर ने शांति से उत्तर दिया। कुसुम ने जो कहा था उसे सुना और उसका मजाक उड़ाना जारी रखा। ओहो, तुम वास्तव में एक प्रतिभाशाली डॉक्टर हो, क्या कला है आपके हाथों में, आप सब कुछ खुद ही सीख गए। वाह, सूफिया ने इस बार अपने दादाजी के लिए इतने स्किल्ड पर्सन को बुलाया है। चाची, वो मेरे गेस्ट हैं, सूफिया ने ठंडे स्वर में कहा। अमर बहादुर ने अपनी बेटी को वापस खींच दिया और फुसफुसाया, हालांकि आपकी चाची ने जो कहा है वो सुनने लायक नहीं था, लेकिन ये मिस्टर कबीर इस लायक नहीं है कि वो आपके दादाजी का इलाज करें। उसके तो घर में भी कोई डॉक्टर नहीं है, भले ही जैसा कि तुम बताती हो उसने सुहानी को बचा लिया था। बेटा, वो मेरे पिता हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, हम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा, भले ही आप मिस्टर कबीर को बीमारी का इलाज न करने दें, लेकिन हम उनको वो जाने तो दे सकते हैं, हो सकता है वो कुछ ऐसा बता दें जिसे कोई डॉक्टर ठीक कर सके। सूफिया ने कोशिश की अपने पिता को समझाने की। ठीक है, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे, अमर बहादुर मान गया। इस बार सूफिया ने ये पूछने की पहल की, मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर कबीर ने खुद को इतना महान बनाया है। कबीर माहौल को भाप गया था, उसे लग रहा था कि सूफिया के अलावा वहाँ कोई नहीं चाहता कि वो अंदर जाए। उसने साफ साफ खुले तौर पर कहा, देखिए, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है और ना ही मेरे पास कोई फैमिली में ऐसा रहा है, मैंने जो कुछ सीखा है वो अपने गुरु से सीखा है जो एक योगी थे। कुसुम ने कहा, सूफिया, ये इंसान तुम्हारे दादाजी के लिए ठीक नहीं है, जरा सोचो अगर कुछ बिगड़ गया तो हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। चाची, मैंने मिस्टर कबीर के स्किल सेट्स को अपनी आंखों से देखा है। सूफिया एक डिलेमा में फंस गई थी। एक तरफ थे उसके घर वाले जो उसे रोक रहे थे कि किसी भी कीमत पर वो कबीर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कबीर के पास कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं थी। सूफिया को ये भी लग रहा था कि अगर कबीर से कुछ गलती हो जाती है तो फिर वो अपने घर वालों को क्या जवाब देगी। कबीर के लिए भी उसे बुरा लग रहा था कि वो इतनी दूर से आया है उसकी मदद करने के लिए और उसे अब घर में अंदर आने की परमिशन नहीं मिल रही है। सूफिया इसी ख्याल में थी कि तभी उसकी चाची का फोन बजता है। सूफिया कबीर को आंखों के इशारे से शांत रहने को कहती है। वो समझ जाता है कि वहां से हटकर कुछ दूर पर खड़ा हो जाता है। उसकी चाची फोन रिसीव करती है। फोन की दूसरी तरफ उसकी बेटी थी। तभी कुसुम ने अमर बहादुर की ओर देखते हुए कहा, वाह, मेरी उस बेकार बेटी ने एक बूढ़े आदमी को इलाज के लिए बुलाया है। क्या कहा? वो बहुत एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर है। ओह, उस डॉक्टर का नाम है जफर हसन। अमर बहादुर का चेहरा अभी भी अविश्वास से भरा लग रहा था। वो सोच रहा था, क्या ये जफर हसन सच में काबिल है? हालांकि अगर उसने वास्तव में जफर हसन को अपने दादा के इलाज के लिए बुलाया था तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। अमर बहादुर इस बारे में सोच रहा था तभी उसने एक हॉर्न बीप सुनी। ये नेहा थी, कुसुम की बेटी। नेहा फोन के साथ साथ शायद उस डॉक्टर को भी ले आई थी। कुसुम ने जल्दी से आकर कहा, ये वही डॉक्टर जफर हसन होना चाहिए, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। यहाँ तक कि अमर बहादुर ने भी आगे बढ़कर धन्यवाद कहते हुए हाथ मिलाया। कबीर दूर खड़ा इस नज़ारे को देख रहा था। उसे नहीं मालूम था कि डॉक्टर जफर हसन आए हैं। जब नेहा ने देखा कि सूफिया भी उनके साथ है तो उसने गर्व से अपने परिवार को डॉक्टर जफर हसन से मिलवाया। ये डॉक्टर जफर हसन है, ये बहुत शानदार है, हाल ही में जर्मनी से आए हैं। डॉक्टर जफर हसन के आने से परिवार के लोगों में एक नई उत्साह आ गई थी, इसे हम उनके चेहरे से महसूस कर सकते थे। नेहा ने फिर बताया, ये फेमस जर्मन डॉक्टर एरविन बेकर के सहयोगी रह चुके हैं। एक हैरान आवाज ने पूछा, कौन है जर्मन डॉक्टर एरविन? आप नहीं जानते, उनको एक साल पहले ये अवार्ड मिला है। केवल इतना ही नहीं, वो हमारे देश में भी काम कर चुके हैं। आप लोग कुछ भी बोलने के पहले सोचा करिए, नेहा ने कहा। क्या नेहा सचमुच बड़े डॉक्टर को लाई है या एक बहरूपिया पकड़ लाई है? कबीर की जिंदगी में इस घटना का क्या असर पड़ेगा? अरे सूफिया, तुम्हारे बगल वाला व्यक्ति तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है ना? नेहा ने आश्चर्य में पूछा। नेहा और सूफिया के उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। पहले दोनों एक दोस्त की तरह ही रहते थे और एक दूसरे से बहुत अलग नहीं थे, मगर अब बात कुछ और थी। जब वे एक साथ बड़े हुए तो उनके बीच अच्छे संबंध थे। फिर घर के बड़े लोग दो छोटी लड़कियों की तुलना शुरू कर दी। तब उनका रिश्ता आग और पानी जैसा हो गया, जिसका कोई मेल नहीं था। कबीर जो सूफिया के पास खड़ा था एक नॉर्मल जैकेट पहने हुआ था। उसने अपनी उतनी ही सस्ती जींस के साथ एक सस्ती टी शर्ट भी पहनी थी। 200 से अधिक नहीं थी किसी भी चीज की कीमत।
उसने जानबूझकर इस लड़के को सोफिया के प्रेमी को परेशान करने के लिए बुलाया। ये आपकी बड़ी बहन का डॉक्टर है जो आपके दादाजी का इलाज करने आया है। आपको उसे नाराज नहीं करना चाहिए, कुसुम ने अजीब लहजे में कहा। कुसुम शायद भूल गई कि वहाँ और भी कोई है। चूंकि आप पहले ही ऐसे इंसान को बुला चुके हैं तो मेरा यहाँ क्या काम है फिर? क्या यहाँ मुझे जबरदस्ती बुलाया गया है? कबीर के बारे में सुनकर डॉक्टर जफर हसन बहुत नाराज हो गए। उन्हें लगा जैसे उनका मजाक बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ये देखकर कि डॉक्टर नाराज हो गए हैं, कुसुम थोड़ा डर गई। वो उसे अपमानित नहीं करना चाहती थी। उसने झट से कहा, डॉक्टर हसन, आप ये तो देखिए कि वो किस तरह का डॉक्टर है। ये ऐसे डॉक्टर हैं जो केवल खुद जानता है कि वो डॉक्टर है। क्या मतलब आपका? डॉक्टर हसन ने कहा। मतलब ये कि इनके पास कोई शिक्षा नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, और यहाँ तक कि कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं है। मेरी राय में ये इंसान सबको सिर्फ बेवकूफ बनाता है। जैसा मैंने कहा, आप ही कहो, ऐसा आदमी डॉक्टर कैसे हो सकता है? ये सिर्फ ठग है, कबीर मन में सोचता है। आज का दिन भी खराब है। सुबह हर्षवर्धन के यहाँ बवाल हुआ और अब यहाँ भी। डॉक्टर जफर ने तिरस्कार से कबीर को देखा। युवक, इतनी कम उम्र में आपके लिए सही रास्ता चुनना बेहतर है। हमेशा दूसरों के लिए परेशानी का सबब ही मत बनो। याद रखो, एक ही रास्ते से ही आप कुछ अच्छा कर सकते हो, खुद के लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। जब उसने सुना कि कबीर एक धोखेबाज है तो डॉक्टर को बहुत बुरा लगा। कबीर ने तिरस्कार में अपना मुंह मोड़ लिया। वो कैसे ठग बन गया? कबीर को इस तरह देखकर डॉक्टर ने कहा, आप वास्तव में नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। मेरे गुरु आपके एक अच्छे इंसान बनने की सलाह देते हैं, आपको मेरी बात सोचना चाहिए। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस डॉक्टर को क्या जवाब दे। वो बस चुप था सूफिया को देखकर। सूफिया माहौल को शांत करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसने एक फैमिली डॉक्टर को दौड़ते हुए देखा। जल्दी करो, बड़े साहब की हालत बिगड़ती जा रही है। बड़े साहब यानी कि सूफिया के दादाजी, इस जगह वो ही इसी नाम से जाने जाते थे। हालत खराब की खबर सुनते ही लोगों का समूह तेजी से घर की ओर भागा। डॉक्टर हसन, मेरे पिता को देखो, भागते हुए अमर बहादुर ने बोला। अमर बहादुर का छोटा भाई समर बहादुर, जो अभी तक बाहर नहीं आया था, वो अपने पिता के कमरे के बाहर सबका इंतजार कर रहा था। उसका गोरा चेहरा अब पसीने में भीग चुका था। कबीर अंदर जाने के लिए तैयार था, पर उसने सोच रखा था कि वो तब ही जाएगा जब बहुत इमरजेंसी हो। जैसे कि सब भागे थे, कबीर समझ जाता है कि इमरजेंसी है, वो भी सभी लोगों के साथ अंदर आता है। कबीर के पहले वो बाकी के घर वाले आ चुके थे। जैसे ही वो कमरे में गया, उसने देखा कि एक छोटा मोटा बूढ़ा अपनी पीठ को झुकाकर बिस्तर पर पड़ा है। कोई भी एक नजर में उस बूढ़े का दर्द महसूस कर सकता था। वो वाकई बहुत दर्द भरा माहौल था। उसका चेहरा, जो गुलाबी या लाल होना चाहिए था, बुरी तरह से पीला पड़ गया था। उसका माथा पसीने से भीग गया था। जिन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, उन्होंने सोचा होगा कि किसी ने उनके चेहरे पर ठंडे पानी का छींटा मार दिया है। उसका पूरा शरीर अभी बिना रुके कांप रहा था। जल्दी करो, सारा सामान निकालो। ऐसी आपात स्थिति को देखकर डॉक्टर हसन ने सीधे अपने कंपाउंडर को ऑर्डर दिया। कबीर ने भीड़ के बीच से डॉक्टर हसन की जगह देखी। ये महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, उसने देखा कि डॉक्टर हसन ने उसे एक इंजेक्शन दिया। कबीर तुरंत चिल्लाया, ये सुई आगे नहीं जा सकती। इस तेज दहाड़ ने सभी को चौंका दिया और उन्हें डरा दिया। क्या आप परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप कुछ जानते हैं? बस बकवास करना शुरू ना करें। कुसुम गुस्से में थी जब उसने देखा कि जो बोल रहा था वो कबीर था। मुझे मत बताओ कि तुम्हें डर था कि डॉक्टर हसन उनको ठीक कर देंगे और तुमको पैसे ठगने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरों ने भी यही कहा। दूसरी तरफ कबीर के जोर से चिल्लाने से डॉक्टर हसन भी चौंक गया, जिससे उसका हाथ कांपने लगा। उसने क्या सोचा था कि उसने गलत किया है? ये पता लगाने के बाद कि ये कबीर झूठा था, डॉक्टर ने सुई डालना जारी रखा। कबीर ने देखा कि डॉक्टर हसन उसे पेन किलर दे रहे हैं। भागकर उसने डॉक्टर हसन का हाथ पकड़ लिया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो बच्चे? क्या हुआ है तुमको? मुझे मेरा काम करने दो, मेरे मालिक का हाथ छोड़ दो। क्या आप बूढ़े आदमी की बीमारी को समझते हैं? आपकी सुई से ये मर भी सकते हैं, कबीर बोला। यारों, जल्दी करो और इस आदमी को हटाओ यहाँ से। ये नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है, डॉक्टर हसन ने कहा। देखते ही देखते आसपास के लोग कबीर की आलोचना करने लगे। बेटा, आप क्या जानते हैं कि आप किसी को मार रहे हैं? मैं मरीज को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा हाथ जाने दो, डॉक्टर हसन ने कठोरता से कहा। हालांकि वो खुद भी कोशिश कर रहे थे कि कबीर से अपना हाथ छुड़ा लें, मगर वो ऐसा कर नहीं पाए। मैं किसी को बचा रहा हूँ, आप ही उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं, कबीर ने उसी कड़े स्वर में उत्तर दिया।
आप किसी के साथ नहीं किसी के जीवन से खेल रहे हैं। आप जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे इनको दिल का दौरा भी पड़ सकता है, कबीर ने दृढ़ता से कहा। मुझे लगता है कि आपने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। सोफिया, क्या ये वही व्यक्ति है जिसे आप अपने साथ लाई थी? कुसुम ने सोफिया को इशारा किया और उसे डांटा। सोफिया कबीर की क्षमता में विश्वास करती थी, मगर फिलहाल उसे डॉक्टर हसन की बात सही लग रही थी। सोफिया ने कबीर को जोर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और पूछा, मिस्टर कबीर, क्या कर रहे हैं आप? कबीर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या आप इस सॉल्ट कंपोजिशन के साथ सबका इलाज करते हैं? कबीर ने पूछा, आप कैसे जानते हो? डॉक्टर ने अविश्वास में पूछा। मैं उस तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि मैंने भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है। ये आराम तो देता है, मगर आपका शरीर मजबूत नहीं है तो आप हार्ट अटैक से मर भी सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको एक्यूपंचर से ट्रीटमेंट करना चाहिए। आपका तरीका गलत है, आपकी दवाई नहीं, कबीर उदासीनता से कहा। मुझे लगता है कि आदमी सिर्फ बेवकूफ बना रहा है डॉक्टर, उस पर विश्वास न करें, कुसुम बोली। ये सही है, मैं भी एक नजर में बता पा रहा हूँ कि इतनी साधारण बीमारी कुछ भी नहीं थी। हम इस समस्या का इलाज कैसे करेंगे? डॉक्टर ने भी बात की। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, इस बीमारी का निदान सरल है, लेकिन वो गलत थे, इलाज मुश्किल। ये बीमारी नसों की थी। कहीं ना कहीं डॉक्टर जानता था कि अगर इस बुढ़े आदमी ने इंजेक्शन को बर्दाश्त नहीं किया तो वो सच में मर सकता है। अब डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन नीचे रख दिया था। मैं इसे साफ साफ कहूंगा कि यदि आप अपनी प्रेजेंट ट्रीटमेंट को जारी रखते हैं तो बड़े साहब के लक्षण निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। वो शायद एक मिनट के भीतर एक नॉर्मल इंसान की तरह लगने लगेंगे। हालांकि ये केवल 10 मिनट तक चल सकता है, कबीर ने आत्मविश्वास से कहा। क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कुसुम ने तंज के रूप में कहा। एक इंसान जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो सच में डॉक्टर के तरीके पर सवाल उठा सकता है। मुझे लगता है कि आप ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं गलत नहीं हो सकता, कंपाउंडर ने दृढ़ निश्चय के साथ बात की। डॉक्टर हसन ने भी गुस्से में कहा, मैं कहता हूँ तुम इतने युवा हो, इतनी कम उम्र में तुम इलाज के इस आयाम को कैसे जान सकते हो? दिन भर घटिया झांसा मत दो, रोग अचूक है। मैं बिल्कुल सही था जैसा तुम बता रहे हो, अगर मैंने इन्हें इंजेक्शन नहीं दिया तो बचने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। मैंने कहा था तुम गलत थे, तुम गलत हो, कबीर ने गर्व से कहा। तो क्या हुआ अगर आपने गलत कहा? आपको क्या लगता है कि आप कौन है? अगर आपने वास्तव में इसे सही किया है तो मैं घुटने टेक कर आपको सलाम करूंगा, डॉक्टर ने कबीर के तिरस्कार में कहा। मेरे पास तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान नहीं है, कबीर ने तिरस्कार में कहा। इस वक्त पूरा कमरा दो गुटों में बट गया था। एक तरफ थी डॉक्टर हसन पर भरोसा करने वाली टीम, जिसमें थे कुसुम, नेहा, अमर बहादुर, समर बहादुर और वहां मौजूद लोग। वहीं दूसरी तरफ था कबीर, जो अकेला था। कुछ ऐसे भी थे जो इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर और कबीर किसी एक बात पर सहमत हो, मगर हालत को देखकर लग रहा था कि ऐसा होना अभी मुमकिन नहीं है। बड़े साहब अब दर्द में आह की आवाज निकाल रहे थे, शायद वो भी इंतजार में थे कि कोई जल्दी कुछ करे। उनकी पुरानी चोट अब नसों तक आ गई है। मेरे रास्ते से हट जाओ, अमर बहादुर कबीर को दूर खींचने के लिए आगे बढ़े। दादाजी पहले से ही ऐसे हैं, बता दें ये मर्डर है, नेहा को फटकार लगाई। सोफिया जल्दी करो और इस आदमी से कहो कि वो डॉक्टर को छोड़ दें। अगर इससे डॉक्टर हसन के इलाज में देरी होती है तो तुम्हारे दादा शिकायतों के साथ मर जाएंगे, अमर बहादुर उत्सुकता से चिल्लाया। मिस्टर कबीर, सोफिया ने भी अपनी बुद्धि खो दी थी। डॉक्टर ने बोला, मैं जोर देकर कहता हूँ कि मैं लोगों को बचा रहा हूँ, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अगर आप सभी ऐसे हैं तो मुझे भी परवाह नहीं है, कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा। उसने आखिर में डॉक्टर को छोड़ दिया। कबीर की बात किसी ने नहीं मानी। क्या आप सोफिया के दादा की जान बच पाएगी?